हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पहाड़ों में कहीं दूर घूमने के लिए। तो क्या संडे है तो दीदी की भी छुट्टी है, तो दीदी के कुछ कंपनी लोग, उनके फ्रेंड्स लोग भी जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर पहाड़ों की ओर, माँ सुरकंडा देवी टेम्पल। यहाँ से सबसे पहले जाना है हमें कद्दूखाल। कद्दूखाल से वहाँ से ट्रैक है 3 किलोमीटर ऊपर माँ सुरकंडा देवी टेम्पल में। तो हम लोग जाने वाले हैं, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और धूप काफ़ी अच्छी खासी खिल रही है, चारों तरफ धूप खिल चुकी है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है शहरों में। और पहाड़ों में तो काफ़ी ठंडा मौसम है, तो पहाड़ों में तो ठंड रहती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी से होने लग गई है। तो दिन को तो काफ़ी ज़्यादा ही होती है, दिन रात पंखे एसी चले रहते हैं हर जगह। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है प्लान, अभी प्लान बन ही रहा होगा उन लोगों का, बाकी हम थोड़ी देर में जाएंगे। तो माँ सुरकंडा देवी टेम्पल काफ़ी फेमस टेम्पल है और सबसे पहले वहाँ पर कहा जाता है कि माँ पार्वती का सर गिरा था वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर सरकुंडा देवी टेम्पल भी कहा जाता है। और वहाँ पर सबसे पहले काफ़ी छोटा सा टेम्पल था और धीरे धीरे काफ़ी लोगों ने ना वहाँ पर मतलब सहयोग किया, तो काफ़ी बड़ा टेम्पल बना दिया है और अब काफ़ी अच्छा खासा दिखता है मंदिर भी। और काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पर। काफ़ी ऊँचाई पर है और वहाँ से जो चारों तरफ का नज़ारा दिखता है ना, काफ़ी मस्त, काफ़ी लाजवाब नज़ारा दिखता है। और सामने हिमालय भी दिखता है, जो स्वर्ण पूछ बंदर पूछ है जो भी है वो दिखता है। तो अगर हो सके, मैं वहाँ पर अगर बादल बुदल ना लगे हो तो मैं पूरा कैप्चर करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मतलब वहाँ पर तो अब तो रोप वे भी लग चुके हैं, तो पहले तो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जिसे ट्रैकिंग करना है ट्रैकिंग कर सकते हैं, जिसे रोप वे में जाना है तो रोप वे में जा सकते हैं। पर बात यह है ना दोस्तों कि पहाड़ों में ना काफ़ी कम होते हैं रोप वे लगे हुए, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ों में भी रोप वे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा चलती रहती है तो उसमें ख़तरा भी होता है। इसलिए वहाँ पर ऐसा है कि रोप वे भी लगे हुए हैं और अच्छे खासे चल रहे हैं माता के आशीर्वाद से। तो चलो फिर अब नीचे जाते हैं, नहाते धोते हैं, फिर निकलते हैं। सुबह के बज चुके हैं 9:30 बज चुके हैं, मैं बस रेडी हो चुका हूँ, ऐसा कुछ गेटअप है आज का। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में, गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है, बाकी दीदी के दोस्त लोग नहीं आए अभी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से पहाड़ों की ओर, 10 बजे तक निकल जाएंगे शायद। तो देखते हैं रास्ते में कैसा कैसा रहता है, मौसम कैसा है वहाँ का देखते हैं, क्योंकि कुछ टाइम मतलब 1-2 हफ्ते बाद वहाँ पर मेला भी लगने वाला है, गंगा दशहरा माँ सुरकंडा देवी का। तो आज काफ़ी भीड़ भी हो सकती है, देखते हैं फिर कैसा रहता है। दोस्तों अभी हम मसूरी के आधा रास्ते में पहुँचे हैं, अभी हम जाने वाले हैं सुरकंडा देवी टेंपल। काफ़ी ट्रैफिक है आज संडे के टाइम, अभी यहाँ पर बैठ के पानी वानी पी रहे हैं, तो अभी चलते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कद्दूखाल मार्केट, ये देखिए नीचे पे, अभी यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले रहे हैं और जिस हमने गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी है, अब जा रहे हैं हम यहाँ से माता के दर्शन करने के लिए वो ऊपर सुरकंडा माता टेम्पल। चलते हैं फिर, आज काफ़ी भीड़ भी होगी। तो दोस्तों देखिए रोपवे में जाने के लिए कितने ज़्यादा लोग खड़े हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रखी है। हम रोपवे से तो नहीं गए और यहाँ से जाएंगे हम पैदल रास्ते, हम ट्रैकिंग करके जाएंगे, तो यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं हम अभी यहाँ से। आप हवा के माध्यम से पता ही लगा सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। और ये देखिए रोपवे ऊपर की ओर जाते हुए, तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, डर भी लगता है इसमें, तो हम लोग तो पैदल ही जाएंगे, चलते हैं फिर। तो मंदिर जाते जाते काफ़ी थकान लग रही है, मैं जा रहा हूँ शॉर्टकट वाले रास्ते से, देखता हूँ जरा ये रास्ता कैसा है। बाकी काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, काफ़ी दूर से थकान लग चुकी है और दीदी लोग पीछे छूट चुके हैं। मैं इस जंगल वाले रास्ते से जा रहा हूँ और ऊपर पहुँचने वाला हूँ, मतलब ऊपर एक रास्ता है सीधा सा, वहीं से जाऊँगा, अभी कुंड वाले रास्ते में हूँ मैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है किनगोड़, अभी इसके छोटे छोटे फूल आए हैं रेड रेड कलर के,
ये देखिए इसे भी आप खा सकते हैं किनगोड़ को। अभी येलो येलो फूल आ रखे हैं, कुछ दिन बाद ये पकने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम कद्दू खाल से इतना ऊपर आ चुके हैं, लगभग हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। अब बचा हुआ है आधा रास्ता, जो कि देखिए ट्रॉली है, रोप पे चल रहे हैं, इतनी हवा में भी चल रहे हैं भाई, बड़े तगड़े चल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रखी है। ये तो माता के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो रहा है। ये देखिए क्या मस्त करके चल रहे हैं, बाकी भैया लोग यहाँ पे हैं, दीदी लोग नीचे से आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो रास्ता बंद है, और ऊपर जाने के लिए अभी रास्ता शायद यहाँ लेफ़्ट से, हाँ यहाँ से कर दिया गया है ऊपर जाने के लिए रास्ता, तो यहाँ से चलते हैं अभी। पर जब अब जो रास्ता बन रहा है ना, वो काफ़ी मस्त बन रहा है, और अब हमें तो अभी यहीं से जाना पड़ेगा इस शॉर्टकट वाले रास्ते से। तो यहाँ से बनाया है क्योंकि वहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो ख़राब भी हो सकता है ना वो रास्ता, इसलिए तो अभी हम यहीं से चलते हैं सब। अब रास्ता आजकल यहाँ से बनाया गया है क्योंकि उधर साइड काम चल रही है पीछे, तो यहाँ से आ रहे हैं सब लोग। रास्ता देखिए दोस्तों कितना अपडेट हो चुका है, इतना प्यारा रास्ता बन रहा है ना अब सुरकंडा माता टेम्पल जाने के लिए। ये देखिए पूरा सीमेंटेड का, और सामने साइड पाइपलाइन लगेगी जो कि सुरक्षा के लिए। बाकी देखिए इतना मस्त बन रखा है, ये रास्ता देख सकते हैं आप लोग, इतना प्यारा रास्ता बन रहा है माँ सुरकंडा देवी टेम्पल, यही राजस्ट। बाकी नीचे अभी काम चल ही रहा है, तो उसके लिए रास्ते वहाँ राइट से बना रखा है। गंगा दशहरा आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सजावट हो रही है। देखिए इसमें कलर वगैरह पेंट किए जा रहे हैं, बाकी रोपवे लगे हुए हैं, और रास्ता भी प्यारा प्यारा बन रहा है क्योंकि गंगा दशहरा आने वाला है एक दो हफ्ते में। तो यहाँ से रास्ता भी देखिए सब चमचमाचम हो रहा है, और इस बार काफ़ी ख़तरनाक दशहरा होने वाला है। इस बार सबसे बड़ा दशहरा होगा गंगा दशहरा माँ सुरकंडा देवी टेम्पल का। ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है ऊपर की साइड। अभी यहाँ पर पांव वगैरह धोते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। आज देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज दर्शन करने के लिए, काफ़ी लोग आ रखे हैं क्योंकि आज संडे है, तो संडे में सबकी छुट्टी रहती है, इसकी वजह से सारे लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, और इतनी बड़ी लाइन लग रखी है। और माता जी का द्वार ये रहा प्रवेश द्वार, तो प्रवेश करते हैं यहाँ से। अभी हाथ धो रहे हैं यहाँ पर पांव, हाथ धोकर ही प्रवेश करना पड़ता है, तो चलते हैं ज़रा यहाँ पर ऊपर की ओर। ये देखिए यहाँ तक लाइन लग रखी है, वो पीछे से घूम के इतनी लंबी लाइन लग रखी है प्रवेश करने के लिए भी, और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। ये देखिए माँ सुरकंडा देवी टेम्पल, तो गंगा दशहरा भी आने वाला है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दर्शक आ रखे हैं आज दर्शन करने के लिए। वो मंदिर में आ चुके हैं, हम दर्शन हो चुके हैं, और भैया लोग अभी यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं भोलेनाथ जी के मंदिर के, यहाँ पे मैंने कर लिया है प्रज्वलित, और अब आशीर्वाद लेते हैं, फिर थोड़ी देर में निकल जाएंगे घर की ओर। बाकी यहाँ पर हमने दर्शन वर्शन कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है आज माता सुरकंडा देवी टेम्पल में। तो ये देखिए पीछे की साइड भमोरी खाल, जो ये नीचे दिख रहा है ना, ये है भमोरी खाल साइड, और सामने पर है कानाताल, और यहाँ से आज हिमालय दिख नहीं रही है साफ क्योंकि वहाँ पर धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है। बाकी ये है अपना गांव जो सामने पर दिख रहा है ना, वहाँ है हमारा गांव, और दर्शन वर्शन अभी हो चुके हैं माँ सुरकंडा देवी माँ सुरकंडा देवी के, और नारियल वगैरह भी हमने यहाँ पर फोड़ दिया है सिरफल, तो अब यहाँ पर धूप बत्ती वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ा लिया है, वहाँ पर जाते हैं थोड़ा फ़ोटो जो शूट करते हैं, फिर जाते हैं घर की ओर।
दोस्तों अभी हम वापस रिटर्न हो चुके हैं, अब जा रहे हैं देहरादून की ओर, दर्शन वर्शन हो चुके हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जशुआखोली और यहां का नज़ारा देखिए, सनसेट भी होने वाला है यहां पर। यह है सुआखोली का मार्केट और जस्ट यहां से हमें अभी हमें यहां से ऊपर की ओर चढ़ना है, वहां से पीछे वो धार दिख रहा है ना, वहां से पीछे की ओर जाना है। तो नीचे है देहरादून, पहले मसूरी जाएंगे फिर देहरादून, बाकी देखिए सनसेट होने वाला है और अभी हम निकलेंगे यहां से थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों देखिए पहाड़ों में आजकल किनगोड़ हो गए हैं, ये देखिए पूरे ब्लैक ब्लैक हो चुके हैं, खाने लायक हो चुके हैं, तो आप लोग भी खा सकते हैं। अब पक चुके हैं, ये हरे भरे थे जो पहले ख़त्म हो गए हैं। अभी हम मसूरी के जस्ट नीचे रुके हैं और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा प्यारा झरना बह रहा है, यहाँ पर देखिए इतना मस्त झरना बह रहा है यहाँ पर। और अभी हम यहाँ पर शायद भुट्टा खाने के लिए रुके हैं, ये लोग जिस सामने पर जा रखे हैं वो सामने पे, तो वहाँ पर गाड़ी वगैरह मैंने लगा दी है आगे पे, तो मैं यहाँ पर पानी वानी वगैरह देख रहा था। अभी लगता है हमको रात को 9-10 बजे ही पहुँचेंगे, तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। मैं आगे जाता हूँ, वहाँ पर खा रहे हैं भुट्टा, चलो फिर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं पहाड़ों में, तो यहाँ से जो नाइट का व्यू दिखता है ना, काफ़ी प्यारा दिखता है देहरादून का। तो यहाँ से हम भी रुके थे यहाँ के नाइट का व्यू शूट करने के लिए, तो देखिए कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, मस्त सा एकदम। जब यहाँ पर सब जगह की लाइट जलती है ना, तब बहुत ही खूबसूरत दिखता है देहरादून नाइट को।